you're watching Exposed India. सीबीएसई पेपर लीक पर देश के कई शहरों में छात्र और अभिभावक कर रहे हैं प्रदर्शन। व्हिसल ब्लोअर की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच ने गूगल से मांगी एक जीमेल की जानकारी। प्रकाश जावड़ेकर से मिला छात्रों का एक समूह, चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग। 10 व्हाट्सएप ग्रुप की भी हुई पहचान जिस पर शेयर किए गए थे पेपर। कांग्रेस का सरकार पर हमला। बिहार के नवादा में माहौल खराब करने की कोशिश, पुलिस की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में। शुक्रवार की सुबह नवादा बाईपास के गोदापुर चौक के पास एक धार्मिक स्थल में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने से आक्रोशित हो गए लोग, जमकर किया। मुंगेर, नालंदा, भागलपुर और समस्तीपुर के बाद अब बिहार के नवादा जिले में माहौल खराब होने लगा है। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने लोगों से सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 की जाएगी। देश के सबसे लंबे 6 लेन एलिवेटेड रोड को लेकर क्रेडिट लेने में लगी होड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी गेट के राजनगर एक्सटेंशन तक के एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रोजेक्ट से जुड़े पुरानी तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। उन्होंने लिखा, राम राम जपना पराया माल अपना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में इन दिनों कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मैसूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद स्थानीय राजेंद्र कला मंदिर में दलित नेताओं के साथ बातचीत। दलित नेताओं से मुलाकात के दौरान अमित शाह की सभा में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा संविधान को लेकर किए गए बयान के खिलाफ अचानक कुछ लोग आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। अब तीर्थ यात्रा योजना को लेकर दोनों के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उनकी सरकार की तीर्थ यात्रा योजना की आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से कहा है कि वह इस योजना को सिर्फ गरीब परिवारों तक ही सीमित रखे। कैलाश गहलोत के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से उनकी सरकार हर कामकाज में रुकावट डाल रही है, ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। रूस का इरादा कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस के जहाज 400 फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के आसपास घूम रहे हैं, जिससे दुनिया के ज्यादातर कॉल, ईमेल, टेक्स और मैसेजेस के साथ साथ रोजाना के $10 ट्रिलियन वित्तीय आदान प्रदान को प्रभावित होगा। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन के पास 4 हथियारबंद बदमाशों ने अंबाला जा रही पैसेंजर ट्रेन में जमकर लूटपाट की। चाकू की नोक पर 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों में ज्वेलरी, मोबाइल फोन लूट लिए गए। विरोध करने पर एक पैसेंजर को चोट भी आई है। जब ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो यहां पैसेंजर ने पुलिस के सामने इसकी जानकारी दी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश में लगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर शुक्रवार को जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस शासन में 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वर्कर्स के हत्यारों को पाताल से भी ढूंढकर जेल में डालेंगे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिद्धरमैया सरकार का अंत नजदीक है और जल्द ही बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां न्याय होगा। बीएसएनएल ने अपने कॉम्बो प्रीपेल प्लान की मौजूदा लाइन में एक और नया स्पेशल टैरिफ वाउचर यानी एसटीवी जोड़ा है। 118 रुपए की कीमत वाले इस एसटीवी की वैधता 28 दिन की होगी। इसमें यूजर को 1 GB डेटा और वॉइस कॉलिंग मिलेगी। ये प्लान केवल तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल में ही वैलिड होगा। 1 अप्रैल 2018 से भी एक्टिव होगा। बॉल टैपिंग विवाद में दोषी पाए गए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए, जिसके बाद उनके प्रति सहानुभूति देखने को मिल रही है। कई दिग्गज उनके समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन ब्रिटिश अखबारों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम और स्मिथ का जमकर मजाक उड़ाया है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के 3रे टेस्ट में बॉल टैपिंग के मामले में स्मिथ के अलावा डेविड वार्नर और ओपनर कैमरन बैनक्राफ्ट को दोषी पाया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को एक स्कूल के लिए 40 लाख रुपए की राशि मंजूर कराने पर आभार जताया। ये स्कूल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित है। सचिन ने सांसद स्थानीय क्षेत्र कोष से इस राशि को मंजूरी दी। सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सचिन को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि कश्मीर में एक स्कूल इमारत के निर्माण के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष का इस्तेमाल करने के लिए सचिन को धन्यवाद। रिजर्व बैंक जारी करेगा 350 रुपए का सिक्का। एक तरफ जहां छोटे सिक्के लगातार प्रचलन से बाहर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार बड़ी रकम की सिक्के लॉन्च कर रही है। 10 रुपए के सिक्के जारी किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अब 350 रुपए के सिक्के जारी करने की तैयारी में। चंदा कोचर पर लगे वित्तीय लेनदेन के आरोप। आईसीआईसीआई बैंक को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली बैंक की सीईओ चंदा कोचर इस बार सवालों के घेरे में। उन पर वीडियोकॉन समूह को करीब 4,000 करोड़ का लोन देने के मामले में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। किम जोंग को अमेरिका का जवाब, दक्षिण कोरिया के साथ करेगा युद्धाभ्यास। उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन ने अमेरिका से पहले चीन पहुंचकर अमेरिका को बुरी तरह चढ़ाया।